सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकंड यूनिट है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका लेक्चर नंबर 5 लेने वाले, जिसका आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरव्यू का बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देखेंगे कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है और इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली हम इंटरव्यू के बारे में ये सोचते हैं कि जो जॉब लेने जाते हैं तो हमसे इंटरव्यू, या फिर हम जाते हैं किसी न्यूज़ में तो देखते हैं सेलिब्रिटीज लोग का इंटरव्यू लिया जाता है, उसी को हम नॉर्मली इंटरव्यू देख समझते हैं। ठीक है, तो देखोगे तो रियलिटी में वो जो जॉब या फिर जो टीवी में जो इंटरव्यू लिया जाता है वो इंटरव्यू का बस एक छोटा सा पार्ट होता है। असली में इंटरव्यू के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो उसी के बारे में डिटेल में डिफिनेशन जो है वो समझने वाले आज हम लोग कि इंटरव्यू होता क्या है। एंड लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, सो यही आज का टॉपिक है हमारा। सो ये बेसिकली हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो देखो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरव्यू, पहले बात तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा लाइटली समझा देता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा से समझ आ जाएगा। देखो इंटरव्यू के अंदर होता क्या, नॉर्मली इसके अंदर कुछ लोग होते हैं। अब देखो सामने ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी हो, नॉर्मली हम ये क्या सोचते हैं कि सामने एक आदमी बैठा रहेगा और उसके आगे एक आदमी बैठा रहेगा और सामने वाला कुछ सवाल पूछेगा, दूसरा वाला उसका जवाब देगा, इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, बट कई बार होता है कि इंटरव्यू के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो लोग हो, कई बार 3-4 लोग भी हो सकते हैं, कई बार 5-6 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार मतलब होता है, नॉर्मली देखो तो 2-3 लोग होते हैं इंटरव्यू के अंदर। जैसे कि आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मे भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कुछ लोग देखे होंगे। देखो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा शॉर्ट वीडियो या फिर कहीं पे यूट्यूब पे कि देखो जो IAS की प्रिपरेशन करते हैं ना, UPSC एग्ज़ाम, ठीक है, तो उन लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि एक बेसिकली चैनल है दृष्टि IAS, में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर होता है ना, आपने देखा होगा कि 3-4 जो IAS लोग बैठे रहते हैं, 3-4 ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं जो मॉक टेस्ट ले रहे थे UPSC इंटरव्यू का। ठीक है, कि किस तरह से UPSC के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है, तो सामने एक कैंडिडेट बैठा रहता है, एक आदमी बैठा रहता है जो बेसिकली इंटरव्यू देता है, और उसके आगे 3-4 लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं 3-4 लोग जो भी बैठे रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे 3-4 लोग बैठे हुए जो एक साथ इंटरव्यू कर रहे, सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहे और वो जो कैंडिडेट है वो जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। वैसे ही आपने टीवी में देखा होगा कि टीवी में होता है कई बार कि एक मतलब बेसिकली मान लो 1-2 पत्रकार जो भी न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं वो रहते हैं, और कई बार होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी का इंटरव्यू एक बार में लिया जाता है, कई बार होता है कि दो लोग को एक ही साथ बैठा दिया जाता है, मतलब एक ही साथ अगर मान लो दो लोगों मिलकर किसी का कोई काम कर दिया और उनका काम सक्सेसफुल हो जाता है तो उनका इंटरव्यू मान लो दो लोगों एक साथ ही बैठाकर दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले लिया जाता है। ठीक है, कोई फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो जो डायरेक्टर और जो हीरो रहता है दोनों को एक साथ बैठाकर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों से बातें पूछी जाती है। तो इंटरव्यू के अंदर कितने लोग भी हो सकते हैं, तो बेसिकली इंटरव्यू होता क्या है कि इसके अंदर दो लोगों या फिर कितने मान लो हम लोग दो ही लोग मान लेते हैं कि दो लोगों बीच में बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है। ठीक है, दो लोग हैं, एक आदमी है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आदमी जो जवाब दे रहा है, तो इंटरव्यू बेसिकली एक मीडियम आप बोल सकते हो जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं दो लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर फेस टू फेस ओरली बातचीत होती है, सामने वाला कुछ सवाल पूछ रहा रहता है और दूसरा सामने वाला जो रहता है उस सवाल का जवाब दे रहा रहता है। तो नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर बेसिकली ऐसे कोई फालतू बात तो होती नहीं है कि मैं पूछ रहा हूँ कि भैया चलेगा क्या हम लोग फिल्म देखने चलते, सामने वाले ने जवाब दे दिया हाँ भाई चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर एक पर्पसफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ हमारे देश का बेसिकली राष्ट्रपति कौन है, बताओ हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, क्यों वो ही बने थे, क्या हुआ था उस टाइम पर, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक पर्पसफुल एक रीजनेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई करेंटली कोई मान लो सिचुएशन हो गई थी कि देखो अभी के टाइम पे जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो बताओ उसके वजह से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपसे ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप बोलोगे भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसके बारे में जब आप इसका जवाब दोगे, इसका मान लो आपने जो भी जवाब दे दिया भैया इंडिया को तेल मिला सबसे मतलब सस्ते दामों पे, तो ये सारे जब जवाब आप दोगे तो ये बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन हो रही है तो एक पर्पस एक रीज़न के वजह से हो रही है, कोई भी फालतू बात नहीं हो रही कि भैया चल चाय पीने चलते। ठीक है, मतलब फालतू बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर एक पर्पस से रिलेटेड बातचीत हो रही है। ठीक है, तो जब इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, जब सामने वाले से हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे या फिर सामने वाले को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो ऐसे टाइम पर जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम इंटरव्यू बोलते हैं, कह सकते हो डेफिनेशन है इसकी इंटरव्यू की। तो देखो पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है उसको पढ़ते हैं। इंटरव्यू इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, एंड इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस ओरल एक्सचेंज विच एंडेवर्स ऑफ टू डिस्कवर एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट सम
इरिलेवेंट मैटर इन द लीस्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी कि वहाँ पर बेसिकली देखो, इंटरव्यू एक मीडियम है कम्युनिकेशन का लोगों के बीच में। कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए इस इंटरव्यू का मदद लेते हैं, ठीक है। इस इंटरव्यू में होता क्या है, यहाँ पर फेस टू फेस ओरल एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। मतलब सामने वाले से हम बातचीत करते हैं कि सामने कोई लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हुए और हम उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। बताइए सर, आपने आजकल जैसे नेता लोग का, कुछ लोग का इंटरव्यू लिया जाता है कि सर बताइए आपने इतने 5 साल हो गए, अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें की है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाजू में रोड खराब ही दिख रहा है। देखो तो पहले ये जो फेस टू फेस ओरल एक्सचेंज हो रहा है कम्युनिकेशन का, बातचीत का, तो बेसिकली इसी को हम इंटरव्यू बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसके अंदर कुछ सम रिलेवेंट मैटर्स रिलेटेड या फिर कुछ अभी कुछ पुराने ही अभी जो रिसेंट टाइम पे कोई भी इश्यूज हुए रहते हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे बातचीत होती है। जैसे देखो भैया अब इलेक्शन आने वाले, सर आप क्या करने वाले हो लेकर, या आपने वादे किए थे ये सारे, ये देखो रोड तो बना ही नहीं है, पानी मिल नहीं रहा है लोगों को, तो ऐसी सारी चीज़ों में इंटरव्यू में क्वेश्चन बातचीत होती है, ठीक है। सो द वर्ड इंटरव्यू मीन्स व्यू पॉइंट। देखो जो इंटरव्यू जो वर्ड है, इंटरव्यू का मतलब देखो, इंटर इन मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के बीच में, ठीक है, किसी के अंदर। तो बेसिकली इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि व्यू बिटवीन, यानी क्या कि दो लोग हैं और उनके बीच का जो व्यू पॉइंट है कि एक आदमी जो बोल रहा है और दूसरा आदमी जो बोल रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, अपने अपने व्यू को एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसी को हम इंटरव्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जो आपको याद रखनी है कि इंटरव्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है व्यू बिटवीन, ठीक है। द वर्ड इंटरव्यू मीन्स व्यू बिटवीन, ठीक है। तो इट सजेस्ट अ मीटिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द व्यू ऑफ ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे का व्यू, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी थॉट्स है, इन्फॉर्मेशन जो भी उनके पास में, उनको समझने के लिए एक दूसरे से जब वो मीटिंग बातचीत करते हैं तो उसी को हम बेसिकली इंटरव्यू बोलते हैं। ऑफ कोर्स इंटरव्यू नीड नॉट ऑलवेज बी ऑन 1-to-1 बेसिस, ग्रुप और पैनल इंटरव्यू आर ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक एक मतलब कि सामने एक आदमी बैठा है और तो सामने एक आदमी, दो लोग के बीच में खाली 1-to-1 मतलब कि रहता ना भैया वन बाय वन लड़ाई करेंगे, ठीक है। स्कूल में होता था ना कि दम है तो 1-by-1 करना, वही चीज़ कि मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो मतलब मीटिंग है वो 1-by-1 ही हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। जैसे आपने देखा है दृष्टि IAS में भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सर्च मार सकते हो, मॉक टेस्ट्स होते हैं UPSC इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी ग्रुप के ऊपर भी हो सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू भी लिए जाते हैं कई बार होता है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, उन लोग मान लो किसी मतलब जैसे कांग्रेस कोई भी मतलब पार्टी रहती है तो उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो खाली एक आदमी से इंटरव्यू नहीं लेते, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं सबसे इंटरव्यू ले लेते हैं, भैया बताओ आपका क्या कहना है इसके बारे में, बाजू वाले से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी इंटरव्यू हो सकते हैं। एंड इंटरव्यू इज डिफाइंड एज अ मीटिंग ऑफ पर्सन फेस टू फेस, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू जो होता है उसकी एक डेफिनेशन जो है वो दी गई है, जो आपको याद रखनी है कि अ मीटिंग ऑफ पर्सन फेस टू फेस, यानी एक ऐसी मीटिंग जहां पर लोग जो है वो फेस टू फेस मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। बिकॉज द इंटरव्यूअर का मतलब होता है वो पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, और इंटरव्यूवी का मतलब होता है वो पर्सन जो क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है, ठीक है, जो भी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, उसको इंटरव्यूवी बोला जाता है। सो मीट फेस टू फेस एंड कम्युनिकेट विद अ सर्टेन डेफिनेट पर्पस, द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू नीड टू बी किप्ट इन द माइंड सो दैट इज स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो इंटरव्यूअर होता है और इंटरव्यूवी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, सामने एक बैठा रहता है सामने आदमी और दूसरा आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो बैठा रहता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जो भी क्वेश्चन जो भी पर्पस उनका रहता है, सवाल जवाब रहता है, वो पूछते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें होती रहती है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इंटरव्यू इज सो टू से फॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज एवरी इंटरव्यू हैज़ अ सर्टेन पर्पस, यानी क्या कि देखो जो हमारा इंटरव्यू होता है इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये एक इनफॉर्मल नहीं होता। इनफॉर्मल मतलब जैसे आप घर में बैठे हुए मम्मी पापा से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो या चलना घूमने चलते हैं, तो उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर्मल मतलब क्या, जैसे आप कंपनी के अंदर बात कर रहे हो मीटिंग के अंदर बैठे हुए, ठीक है, या फिर कंपनी में जॉब लेने गए और मीटिंग में बैठे हुए बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप गाली गलौज से थोड़ी बोलोगा ये चलना यार, अबे क्या कर रहा है तू, ये सारी चीज़ें, अबे रे, अबे तू क्या कर दिया, ये सारी वर्ड्स थोड़ी आप याद करो बोलोगे मैनेजर को, आप तो यही बोलोगे सर ये सर आपने देखो ये गलत कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। तो हमारा जो इंटरव्यू होता है ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है,
यहाँ पर हम एक पर्पस रिलेटेड बातचीत करते हैं, यहाँ पर कोई भी फालतू बात नहीं हो रही रहती। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफाइंड एज पर्पसफुल कन्वर्जेशन। यानी क्या, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक पर्पसफुल एक टॉपिक रहता है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, कोई भी फालतू बात नहीं रहती है, एक पर्पस के ऊपर हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए इसको हम बेसिकली हमारे इंटरव्यू को हम पर्पसफुल कन्वर्जेशन भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो रहते हैं हमारे एमसीक्यू उस टाइप के, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, विच इज़ एम एट गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइंडिंग आउट अ पर्सन सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब, और गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉयज कंप्लेंट अगेंस्ट समथिंग और समवन। बेसिकली क्या कि देखो, बेसिकली ये जो पर्पसफुल कन्वर्जेशन है कि भैया हमारा कोई भी टॉपिक, जैसे कि हमारे कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो कोई कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं सामने इंटरव्यू ले रहे, ठीक है, ये बस सर देखो आपने ये सारा कुछ किया ही नहीं, आपने तो अभी तक कोई मतलब रोड वोड बनाया ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो पर्पस है उनका कि भैया आपने कुछ काम नहीं किया और आपको वोट चाहिए, आप वोट मांग रहे हो, किस हिसाब से मांग रहे हो, तो जो भी लोगों के कंप्लेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बता सके सामने वाले को, इस हिसाब से सॉल्यूशन भी मिल पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी हिसाब से देखो जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो वहाँ पर भी इसीलिए जो इंटरव्यू है वो क्यों लिया जाता है, ताकि हम सामने वाले से ये जान सकें कि उसको कुछ पता है। मान लो जैसे मैनेजर है और वो सामने एक नया एम्प्लॉई है, वो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, तो मैनेजर इंटरव्यू क्यों ले रहा है, ठीक है, उसका क्योंकि वो ये जानना चाहता है सामने वाले को मैं जॉब दूँ या ना दूँ, ठीक है, उस काबिल है कि नहीं वो। अगर मान लो इंटरव्यू में पास हो जाता है तब ना उसको जॉब देगा। अब उससे सवाल पूछ लिया, बता भाई अब हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर उसको काम देके क्या फ़ायदा जब उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए बेसिकली उस आदमी की कैपेबिलिटी देखने की, वो सही है कि नहीं आदमी, उसको काम देने लायक है कि नहीं है, तो वो देखने के लिए जॉब के अंदर या फिर कहीं पे भी इंटरव्यू। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है कि द पर्पस ऑफ आवर इंटरव्यू आर वेरियस, मतलब क्या कि देखो जो हमारा पर्पस होता है इंटरव्यू का वो काफ़ी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम ये भी ढूंढने के लिए कि टू फाइंड आउट द व्यू कि सामने वाले की सोच किस प्रकार की है, इसके थॉट्स आइडिया किस प्रकार के, जैसे कोई भी सवाल पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद उसके एटीट्यूड इंटरेस्ट, मान लो मैंने सामने वाले को कुछ अजीब अजीब सवाल पूछ लिए, अब सामने वाला उसमें गुस्सा हो गया, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर उसके एटीट्यूड उसके जो भी मतलब रहेंगे उसके हाव भाव वो भी हमको समझ आएगा भैया किस प्रकार का आदमी है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के बारे में भी हमें समझ आएगा कि मैंने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए कि भैया अगर मान लो कल को तुमको 1 करोड़ में मैं देता हूँ और तुमको दूसरी कंपनी छोड़ के आनी है, तो ऐसे टाइम पर क्या तुम जाओगे, तो बोलेगा सर मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, वो तो ऐसा बोलेगा ही वैसे, बट आपने कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जिसके वजह से आपको ये समझ रहा है भैया इसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ के अंदर है, ठीक है, तो आपको उसके इंटरेस्ट को भी जानने में मदद मिलती है। तो ये भी आपका पर्पस हो सकता है, आपको इंटरेस्ट जानना है, हॉबीज़ जाननी है भैया किस क्या क्या हॉबीज़ है आपकी, ये सारी चीज़ों मतलब बेसिकली एक पर्पस होता है इंटरव्यू का है, कि हमको ये सारी चीज़ें जाननी है सामने वाले की कि सामने वाला किस प्रकार का आदमी। इन बिजनेस यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस विच इंक्लूड एज स्टेटेड अबव, जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, मतलब बेसिकली ये जो पर्पसेस होते हैं ये काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जॉब के अंदर अगर मान लो नया कोई आदमी को लेना है तो इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपका मतलब बेसिकली मतलब व्यू पॉइंट क्या है इस टॉपिक के बारे में, आप बताइए आपकी क्या इसके बारे में राय है कि ये सही हुआ था या फिर गलत हुआ था। मतलब कि जैसे 1951 में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या ये सही था या फिर गलत था, क्या हमें दूसरे किसी को बनाना चाहिए था या फिर उन्हीं को बनाना चाहिए था, क्या ये सही था, इसके ऊपर आपके थॉट क्या है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये क्यों पूछे जाते हैं, ताकि सामने वाले की मेंटेलिटी हम समझ सकें। ओके, तो ये मतलब बेसिकली हमारा जो जॉब जब जॉब इंटरव्यू होता है, रिक्रूटमेंट होता है जब है, मतलब जॉब नए स्टाफ्स को लिया जाता है तो वहाँ पर ऐसे इंटरव्यू किए जा सकते हैं। और हायरिंग स्टाफ जो रहते हैं, मतलब बेसिकली कि जो रहता है ना, कई बार होता है कि जो स्टाफ रहते हैं मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ है, तो उनमें कुछ अफवाह फैल जाती है, कई बार होता है कि देखो मैनेजर जो है वो मतलब इस लड़की को मार रहा है, उस लड़की को पीटा है, या फिर इसको गाली दिया था मैनेजर ने, तो ऐसे टाइम पर रहता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ में हुबड़ हुबड़ हो जाती है, अफवाह फैल जाती है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी कई बार इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि सामने जो भी एम्प्लॉय है मान लो उसको बुलाया जाता है, भैया क्या हाल है, तुम क्या मतलब अफवाह फैला है, तुम बोल रहे हो झगड़ा झगड़ी करो कि देखो इसने ऐसा बोला है, थोड़ा मेरे को भी बताओ कि सॉल्यूशन कर सको। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर जो भी इंटरव्यू रहता है, मतलब बॉस जो रहता है वो उसकी बात को सुनता है, तो एक टाइप से देखोगे तो ये भी इंटरव्यू ही रहता है। यहाँ पर कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल बातें नहीं चल रही थी, यहाँ पर भी एक पर्पसफुल कि प्रॉब्लम कोई चल रही है, मान लो अफवाह फैल गई है कि जो मतलब मैनेजर है वो बेसिकली किसी को मतलब मारा है, ठीक है, किसी को पीटा है, ठीक है, अब वहाँ पर झगड़ा झुड़ी चल रहा है कि एम्प्लॉयज लोगों को इसने मारा कैसे, ज़्यादा इसका नाटक चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर अफवाह फैल गई है मान लो, तो इस अफवाह जो ग्रेवनेस होता है, ग्रेवनेस का मतलब अफवाह होता है, तो कई बार होता है अफवाह सच भी होती है, झूठी भी हो सकती है, तो बेसिकली उसके लिए भी इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू मतलब क्या कि दो लोग बैठे हुए बातचीत करें किसी भी एक पर्पसफुल
टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अफवाह फैल गई है तो बताओ भैया सच है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस के ऊपर भी हो सकता है कि भैया बताओ तुम मतलब काम किस प्रकार से चल रहा है। नहीं होता है, आपने टीवी में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कंपनी के अंदर जो अच्छी तरीके से काम नहीं करते, तो बॉस होता है जो उनको अपने कैबिन के अंदर बुलाता है, बोलता है भैया तुम 2 महीने से अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, निकाल दूंगा कंपनी से। तो इस तरह ऐसे भी हो सकता है। असेसिंग एम्प्लॉय भी हो सकता है कि मतलब रहता है ना कुछ इंटरव्यू होते हैं कि भैया मतलब एम्प्लॉयज लोग को बुलाते हैं अपने कैबिन के अंदर, बॉस लोग, आपने टीवी में देखा होगा फिल्म में कि बुलाते हैं कि देख भाई तू काम अच्छे से कर रहा है, तू कल से ये वाला भी काम कर दिया कर, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है, ये वाला भी काम कर, मस्त रहेगा, ठीक है। तो बस इसको हम ग्रेव असेसिंग बोलते हैं कि भाई तेरी पर्सनैलिटी मस्त है, अच्छे से काम कर रहा है, और ज़्यादा तेरे को अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, ताकि और प्रोग्रेस हो। वैसे ही प्रोग्रेस वाला भी प्रमोशन का भी इंटरव्यू लिया जाता है, ये सामने वाले को बोलते हैं भैया तो बहुत अच्छे से काम किया, हम तेरे को प्रमोशन दे रहे हैं, एम्प्लॉय से सीधा मैनेजर की पोस्ट, जा बैठ जा, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू का मतलब ये नहीं कि सामने वाले सामने क्वेश्चन पूछ रहे, इसका मतलब बस इतना होता है कि इंटरव्यू के अंदर दो लोग या फिर कितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं जो एक दूसरे के साथ में कुछ भी परपजफुल मतलब कोई भी एक रीज़न रहता है उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं, कोई भी फालतू बातें नहीं चल रही रहती है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोई मान लो जैसे मान लो आप हो बॉस कंपनी के और किसी एम्प्लॉय के अंदर डैमेज कर दिया, तो आप उसको बुलाओगे, उसको पूछोगे भाई डैमेज कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये भी एक टाइप का इंटरव्यू होता है, इसको हम पनिशमेंट इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इंटरव्यू होते हैं, ओके। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एन इंटरव्यू हैज़ बीन अप्लाइड डिफाइनेड बाय मोर्फी एंड पेक, ठीक है। बेसिकली दो लोग हैं जिन्होंने बेसिकली ये जो इंटरव्यू इसकी डेफिनेशन दी है, लिखा क्या गया है कि एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन विथ अ पर्पस, इट एम्स एट गेटिंग ट्रूथफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द कैंडिडेट। मतलब क्या कि देखो इंटरव्यू जो होता है वो एक कन्वर्सेशन होता है विथ एक पर्पस, कि मतलब एक पर्पस के साथ में होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जिसका एम जो होता है वो ये रहता है कि हमको एक सही और एक ट्रूथफुल मतलब एक जो रहता है ना कि भैया जो भी हम सच जो है वो हमें पता चल सके उस कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, जो एक मतलब पर्पस के साथ में होता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रूथफुल वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो देखो बेसिकली इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न अप्रोच, देखो आगे बताया गया तो आपको पढ़ के बताता हूँ, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न अप्रोच टू द कंसेप्ट ऑफ एन इंटरव्यू। मोर्फी एंड पेक एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल आइडिया डैट एवरी इंटरव्यू हैज़ अ पर्पस बट दे एम्फसाइज द कन्वर्सेशनल एस्पेक्ट of it rather than that of question and answer pattern. Will the process of conducting the interview aim at truthful response from of a interviewee so that the ultimate aim is to find out the truthful response. मतलब क्या है कि देखो basically इनकी जो definition यहाँ पर देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला क्या है कि देखो interview एक ऐसा conversation है बातचीत जिसका जो एम होता है वो ये रहता है कि हम कैंडिडेट के द्वारा एक सही एक ट्रूथफुल का मतलब होता है सच निकलवा सके, सच एक सच्चा रिस्पांस निकलवा सके। जैसे मैंने सामने वाले से पूछ लिया कि भैया बताओ ये जो डैमेज है प्रोडक्ट के अंदर किसने किया था, ठीक है, तो एक सही सच्चा जवाब हम निकलवा सकें। अब देखो उसमें कुछ लोग झूठ भी बोल देंगे ना, नहीं सर मैंने नहीं किया था, हो सकता है उसी ने किया हो। तो बेसिकली देखो ये जो पूरा क्यों देखो मोर्फी एंड पिक जो है वो ये कहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल आइडिया पुराना आइडिया कि भैया हम इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू मतलब कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे रहेंगे कुछ लोग आंसर दे रहे रहेंगे तो इसी को हम इंटरव्यू बोल देते हैं। तो ये कहते हैं इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है खाली, इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर ये भी आता है कि जब सामने वाला कुछ पूछ रहा रहेगा तो वो ये चाहेगा कि सामने से मुझे जो इंटरव्यूवी है वो मुझको एक ट्रूथफुल रिस्पॉन्स दे, मतलब एक सच्चा रिस्पॉन्स दे, मैं पूछा हूँ क्वेश्चन तो एक सही जो सच है वो बताएं मुझे। ये नहीं कि मतलब मैंने पूछ लिया बताओ कि मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा मान लो मैंने पूछ लिया कि जैसे कि अपनी हॉबी बताओ, ठीक है, अब उसमें कुछ लोगों में झूठे भी बता देंगे कि भैया हमारी हॉबी है कि हम जो है रोज़ रात को बुक पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, ठीक है, हो सकता है उन लोग कभी रीडिंग इंग्लिश अब आती ही नहीं है रीड करने और वो बोल दिए हमको बुक रीड करते हैं रोज़ रोज। तो बेसिकली वो जो हमारा इंटरव्यूवर होता है वो ये चाहता है कि इंटरव्यूवी जो है मुझे एक एक मतलब ट्रूथफुल एक सच्चा रिस्पॉन्स दे, तभी तो उसको समझ पाएगा ना। तो इसीलिए बेसिकली ये जो मोर्फी और पिक है उन्होंने ये अपनी डेफिनेशन दी है कि इंटरव्यू का मतलब वो कन्वर्सेशन जिसका बेसिकली एक पर्पस होता है, जिसका मेन जो एम होता है वो ये रहता है कि हम जो कैंडिडेट है उसके द्वारा एक ट्रूथफुल रिस्पॉन्स निकलवा सके। तो बेसिकली इसी को हम
इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमारा इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको मॉर्फी और पिक की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, साथ ही में आपको ये भी याद रखना है कि देखो इंटरव्यू को जो है वो पर्पसफुल कन्वर्जेशन भी बोला जाता है, और उसकी डेफिनेशन जो है इंटरव्यू की रिकॉर्ड भी दी गई है जो है अ मीटिंग ऑफ पर्पस फेस टू फेस, ठीक है। ये सारे कुछ डेफिनेशन थे जो आपको याद रखने पेपर में लिखने के काम आएंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो इंटरव्यू होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में कुल 8 टाइप के बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशंस बताए गए हैं, जो कि मैं आपको वैसे तो एक एक करके, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है जिसको हम अपने अगले लेक्चर, क्योंकि देखो इसका जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे, 4-4 करके, 8 है टोटल, तो 4-4 करके बनाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत रफली समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या टाइप्स है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में हर एक को समझेंगे, ठीक है। तो देखो टोटली 8 टाइप के इंटरव्यू होते हैं, जैसे सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, मतलब जब आप जॉब लेने जाते हैं तो जॉब का इंटरव्यू होता है ना, तो वो वाला इंटरव्यू हो सकता है। एक अप्राइजल इंटरव्यू होता है, अप्राइजल इंटरव्यू का मतलब होता है असेसमेंट इंटरव्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय 1 महीने से काम कर रहा है, तो जो मैनेजर है वो आकर पूछेगा भाई बता क्या कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है ना, सही काम चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना किया, सुपरवाइजर पूछेगा। तो बेसिकली इसको हम अप्राइजल की मतलब जो हमारा सामने कैंडिडेट है उसका मतलब पर्सनैलिटी, वो किस प्रकार का आदमी है, वो सही से काम कर रहा है, जो भी उसकी मतलब सिचुएशन है वो जानने की कोशिश करते हैं, तो उसे अप्राइजल इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद ग्रेवनेंस इंटरव्यू होता है, ठीक है। ग्रेवनेंस इंटरव्यू कई बार होता है कि कंपनी के अंदर कुछ अफवाह फैल जाती है कि भैया ये देखो ये जो मैनेजर था इसने ये कर दिया, ये मैनेजर की मौत हो गई, ये मैनेजर कल काम छोड़ के जाने वाला है, ऐसे अलग अलग अफवाह फैल जाती है। तो इस अफवाह को क्लियर करने के लिए भी कई बार जो भी बॉस रहता है वो बोलता है, जिसमें मतलब जिस भी आदमी, मान लो कोई आदमी बोल रहा था कि अरे भाई पता है क्या, ये जो मैनेजर है कल काम छोड़ के जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मैनेजर जो रहेगा वो बुलाएगा उस आदमी को, भाई इधर आ, तेरे को कौन बोला मैं काम छोड़ के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो वो बताएगा मेरे को ये बोला था, इसको ग्रेवनेस इंटरव्यू बोला जाता है, ताकि जो भी मतलब अफवाहें रहती है उन्हें खत्म किया जा सके। ये कुछ रहती है झूठी भी रहती है ना, तो इसलिए खत्म करने के लिए। उसके बाद होता है रेप और पनिशमेंट इंटरव्यू, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है मान लो सामने वाले ने कोई गलती कर दी, या फिर जैसा रहता है ना पुलिस वाले में, अगर मान लो आप पुलिस हो और आपने किसी से घूस ले लिया, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो भी मतलब हेड रहेगा, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो आपको बुलाएगा, ठीक है, आपको चिल्लाएगा, आपको डांट सुनाएगा, आपको बोलेगा कल से आना मत काम पर, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम पनिशमेंट इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल, क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, बेसिकली ये भी एक टाइप का इंटरव्यू होता है। इसका मतलब बेसिकली होता है ये जो टाइप का इंटरव्यू है, बेसिकली ये जो 4 टाइप्स के इंटरव्यू थे, और ये जो 5वां टाइप का जो हमारा इंटरव्यू है, मेडिकल और क्लिनिकल और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, इसके अंदर होता क्या है, जैसे आप अगर फौजी या फिर आप पुलिस में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, या फिर सुना में भी होगा कि देखो अगर आप नहीं गए होंगे तो मे बी, तो अगर आपने NCC में भी किया होगा 11th 12th में, तो आपको पता होगा कि जब आप जॉब मतलब पुलिस या फिर जो हमारा फौजी है, आर्मी है, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है, भैया हाथ वाथ सही है कि नहीं है, मेडिकली ठीक हो कि नहीं, फिट हो कि नहीं, तो वो मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। तो उसको मेडिकल इंटरव्यू एक टाइप का बोलते हैं, ठीक है, कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो वो देखा जाता है, कि पूछा जाता है आपसे कि कभी आपका एक्सीडेंट तो नहीं ना हुआ था बचपन में, कहीं टकले पर चोट तो नहीं ना लगी थी, तो वो सारी मेडिकल इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम मेडिकल इंटरव्यू बोलते हैं। उसके बाद होता है अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कोई एम्प्लॉय रहता है बहुत ज़्यादा, उसको काम का बर्डन होता है, तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा से टेंशन रहती है, तो ऐसे टाइम पर मैनेजर या फिर कोई भी जो भी आदमी रहता है उसका पूछता है भाई ठीक है कि नहीं, सारी चीज़ चल रही है, ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमको बताना, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम अंडर स्ट्रेस इंटरव्यू बोलते हैं। उसके बाद प्रमोशन इंटरव्यू, कि भैया मान लो कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको बुलाएंगे हम अपने कैबिन के अंदर कि भाई आ जा इधर, तेरे को हम प्रमोशन देने वाले, तू बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो अगले महीने से तुम्हारी नई पोस्ट होने वाली है, मैनेजर की पोस्ट, ठीक है, तो उसको प्रमोशन इंटरव्यू बोलते हैं। और लास्ट में होता है बेसिकली एक हमारा एग्जिट इंटरव्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है एग्जिट इंटरव्यू का कि बेसिकली जब आप काम छोड़ के चले जाते हो, मान लो कि आपको अब काम पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप चाहते हो मैं तो खुद का बिजनेस करूंगा, तो ऐसे टाइम पर आप काम छोड़ के जाते हो तो बेसिकली आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई मतलब नॉर्मली देखो तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लिया जाता है, और ये तब लिया जाता है जब आप काम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अगर मान लो आपको लात मार के भगाया जा रहा है तो ऐसे टाइम पर आपको कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, आपको भगा दिया जाता है, लेकिन अगर आप काम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, आप उस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो तो आपसे पूछा जाता है भाई क्यों काम छोड़ के जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, हमने कोई गलती की है, या फिर तेरे को कुछ मतलब
पैसे से की प्रॉब्लम है क्या, कि पैसा कम मिल रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है, हमको बता दे कि हम उसका रिलेटेड सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप पर आपको इंटरव्यू दिया था। अब मान लो आप बोल दी कि नहीं सर सैलरी बहुत कम है, सैलरी की प्रॉब्लम है, इतना हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, तो बोलेगा ठीक है थोड़ी बहुत हम सैलरी बढ़ाने के लिए तैयार है, जो भी मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो इसको एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं जो कि पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली 8 टाइप्स के इंटरव्यूज थे, इसको हम डिटेल में अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो दो पार्ट्स में चार चार करके हम एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट होता है, फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई रहेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, जो कि बेसिकली ये जो इंटरव्यू के टाइप्स है उसी के ऊपर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर आ जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को बेसिकली और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एंड अगर आपको इस वीडियो या फिर अगर आपको आने वाली वीडियोस के बारे में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चंस रहेंगे कि फ्यूचर में कौन सी टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स ऐड होने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। एंड इस लेक्चर का जो PDF है अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर डायरेक्टली आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टडी पर्पज़ के लिए टेलीग्राम पर आपको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। इसके PDF वहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम पर, तो जाओ और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो को। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 2-3 दिन बाद देख रहे हो, तो मे बी यहाँ पर वीडियो की नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर आ गई होगी, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो आ गई हो तो यहाँ पर आप चेक करके नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।